जाति तोड़ो दाम बांधो, राहुल देव जी, चौधरी चरण सिंह जी ने भी, किसानों के नेता थे, गांव के नेता थे, वेस्टर्न, उन्होंने कहा, मतलब कभी जातीय जनगणना की बात नहीं की। लेकिन आज होड़ है, मैंने कहा ना, बीजेपी के टॉप थ्री नेताओं में से एक, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, सुधांशु जी अभी बताएंगे नहीं, नाम मैं पूछ रहा हूं, उन्होंने कहा 1.5-2 महीने की बात है, हम इस मुद्दे को ही खत्म कर देंगे, इंडिकेटिंग वेरी क्लियरली दैट बीजेपी कैन ऑल्सो डू दैट। राहुल देव जी, देखिए मैं नहीं जानता कि बीजेपी क्या करने वाली है, आप जो कह रहे हैं, आप का जो अनुमान है वो सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उस पर कोई फ़ायदा नहीं है, जब होगा तभी हम मानेंगे। लेकिन इस पर हम लोगों ने कल ही बात की है ऐश्वर्या, तो आप जानते हैं कि मेरी इस पर भूमिका क्या है, मैं बहुत विस्तार से लिख भी चुका हूँ, अब आज दोहरा देता हूँ अपने आप को, कल भी यही बोला मैंने। अब प्रवक्ताओं की बात पर कोई टिप्पणी करने से कोई फ़ायदा है नहीं, दरअसल प्रवक्ता का मतलब ये है उसको अपनी पार्टी का और नेता का बचाव करना है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप एक बार अनुराग ठाकुर के उस वाक्य को दोबारा सबको सुनवा दीजिए और फिर मुझे बताइए और आप भी बताइएगा कि उसमें सवाल कहाँ है सुधांशु जी, उसमें जाति कहाँ पूछी गई है, उसमें उस एक मिनट जी जी आप सवाल कीजिए, उसमें जाति ये नहीं कहा उन्होंने कि राहुल गांधी आप अपनी जाति बताएं, उन्होंने नाम नहीं लिया, अभी इस तकनीकी बात पर कि नाम नहीं लिया लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका था, अरे यार कोई पूरे सदन जानता है, जो उसको देख रहा है जानता है, अनुराग ठाकुर की पूरे भाषण का पूरा संदर्भ ही राहुल गांधी का पहले दिया गया भाषण था, वो उसी का जवाब दे रहे थे, किसी और को उन्होंने किसी भी बात में अपने इतने लंबे चारे भाषण में निशाना बनाया ही नहीं, इतनी सावधानी उन्होंने चतुराई दिखाई कि ये कहते हुए कि जिसकी जात का पता नहीं है वो गणना की बात कर रहा है, उन्होंने नाम नहीं लिया। अब इस तकनीकी बात को भी अगर इसमें कोई बुराई नहीं थी तो माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने इसको सदन कार्यवाही से बाहर क्यों किया, कुछ तो उसमें था जो ठीक नहीं था। सुधांशु भी जानते हैं, यहाँ बैठे सब लोग जानते हैं, पूरे उत्तर भारत में किसी से भी ये पूछना कि तुम्हारी जात क्या है या आपकी जात क्या है या आपकी जात पता नहीं है या तुम्हारी जात का अता पता नहीं है, इसका सीधा मतलब है आप एक व्यक्ति की वल्दियत पर शक कर रहे हैं। सुधांशु जी, इसके लिए कुछ और बड़े भदेश किस्म का शब्द नीचे समाज में इस्तेमाल किए जाते हैं, मैं यहाँ नहीं लूंगा, लेकिन सब उनको सुन चुके, बचपन से सुन रहे हैं, यानी जिसके माता पिता को लांछित करना हो जी, उसके लिए यह कहा जाता है कि इसकी जात का जात पात का पता नहीं है, क्या जात है तुम्हारी। सुधांशु जी, मैंने कहा था कि यह बात, यह कहना, ये कोई बात, ये कोई भी दलित पिछड़े वर्ग का व्यक्ति ये कह ही नहीं सकता, ये बात केवल उच्च वर्ण और उच्च जाति के लोग, छोटी जात तथा कथित छोटी जातियों, पिछड़े वर्गों के, पिछड़ी जातियों के लोगों को अपमानित करने के लिए ये कहते हैं, तो ये मतलब बहुत साफ है, सबको पता है। अंशु जी बताइए ना, मैं दोहरा रहा हूं कि वो कह रहे हैं भाई ये तो गाली ही है, वो कह रहे हैं ये तो गाली ही है, राहुल देव जी कह रहे हैं गाली के अलावा कुछ और है नहीं जी, शुद्ध गाली है। राहुल जी बहुत वरिष्ठ और हाँ मैं बता रहा हूं, राहुल जी बहुत वरिष्ठ और मूर्धन्य पत्रकार हैं, परंतु महोदय आपने कहा तकनीकी आधार पर, मतलब ना कहा जाए तो भी मान लिया जाए, और आपने कहा सिर्फ ये मेरा इको कर रहा है, जरा ठीक करवा दीजिएगा भाई, इको करने लगा, और आपने कहा कि केवल उच्च वर्ग का ही कर सकता है। राहुल जी आप भूल गए, अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जैसे उनसे सवाल पूछा गया लॉ एंड ऑर्डर पे, ए छोड़ो अपनी जात बताओ, किस जाति के हो बोलो, पत्रकारों से कहा गया एक नहीं अनेक बार। नहीं नहीं ये तो, अरे ये सामान्य, तो सामाजिक न्याय था, अगर वो पत्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जात पूछ लें उसमें कुछ नहीं, यहां किसी को ना कहा जाए तो मैंने अपने ऊपर मान लिया और इसके आधार के ऊपर उसे मुझे गाली मान लिया जाए, मुझे लगता है ये थोड़ा न्याय संगत, तर्क संगत और संतुलित विश्लेषण नहीं है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, तीनों मूर्धन्य पत्रकार हमारे साथ बैठे हैं, मैं तो पार्टी का प्रवक्ता हूं परंतु मैं राज्यसभा के सांसद का चेष्टा करते हुए एक विश्लेषण देना चाहता हूं। ये बात नोट कर लीजिए, भारत की समाज का विचार और मानस, कोई भी नेता पूरे देश का नेता बन सकता है
पर जात की बात करके उसी जात का व्यक्ति नेता बन सकता है, कोई जाति दूसरे व्यक्ति को अपनी जाति का नेता नहीं मानती। वीपी सिंह इसी मुगालते में रहते कि मंडल की जातियां मुझे नेता बना के पूजेंगी। वीपी सिंह फेंकाए गए, किसी ने नहीं माना। जब मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश में आए थे, दलित पिछड़े दोनों के नेता थे, आखिर में दलित अलग हुए और पिछड़ों में सिर्फ वो यादवों के नेता रह गए, वो भी सिर्फ उत्तर प्रदेश में। जब लालू प्रसाद यादव आए थे तो गरीब गुरबा के नेता बन के आए थे, जात बिरादरी से ऊपर उठ के आए थे, दलित छूट गया, पिछड़ा छूट गया, यादवों के नेता रह गए सिर्फ बिहार में, और आखिर में मुलायम सिंह यादव भी छूट गए, लालू से यादव भी छूट गए, सिर्फ परिवार के नेता रह गए महोदय। इसलिए और मैं एक और विनम्रता से कह दूं, इसको कोई अन्यथा न ले, महात्मा गांधी ने दलित बस्तियों में जाकर एक एक महीना रहे, राहुल जी कम, मगर दलितों की श्रद्धा का केंद्र अंबेडकर बने, गांधी से बड़े। तो गांधी जब नहीं कर पाए नेतृत्व, ये राहुल गांधी किस मुगालते में है, इनको जो लोग ज्ञान दे रहे हैं, राहुल गांधी को समझना चाहिए। वीपी सिंह का उदाहरण रहे, वो मुलायम सिंह का, लालू प्रसाद यादव जी का, किसी का भी उदाहरण ले ले, ये गलतफहमी जो पाल रहे हैं, उनको लग रहा है राजनीतिक प्रपंच कर रहे हैं। और उसका एक और भी बात कह दूं, इनमें से किसी का उद्देश्य सामाजिक न्याय नहीं है। मंडल वीपी सिंह लाए थे सामाजिक न्याय के लिए नहीं लाए थे। 7 अगस्त 1990 को मंडल लागू किया गया, 8 दिन रह गए थे 15 अगस्त में, वीपी सिंह का पहला भाषण होता 15 अगस्त को, क्यों नहीं किया? इस बारे में शरद यादव जी ने खुद लिखा है, एक पत्रकार है उनका नाम भूल रहा हूं, उनकी किताब में शरद यादव का कोट है कि 9 अगस्त को देवीलाल की रैली थी और रैली में उनको उससे पहले मंडल लाना था, क्योंकि देवीलाल का समुदाय उस समय ओबीसी में नहीं आता था, जाट समुदाय उस समय ओबीसी में नहीं था, तो उनको डिवीजन करना था जनता दल में ताकि देवीलाल की रैली में लोग ना जाएं। और शरद यादव ने कहा कि मेरे कहने पे देवीलाल की रैली को काउंटर करने के लिए किया गया। इसीलिए ईश्वरीय न्याय भी होता है कि आप सामाजिक न्याय के लिए करेंगे तो आपको मिलेगा, और अगर आप स्वार्थ में करेंगे तो अब यह समय तय होगा, कोई भी समझ सकता है कि राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं वो न्याय के लिए कर रहे हैं या राजनीतिक स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। फाइनल आंसर राहुल देव जी, भाई मैं यहाँ पूरे देश की राजनीति और जातिवाद का पर प्रवचन देने के लिए नहीं आया हूँ। आपने एक सीधा सवाल पूछा और जो मुद्दा है इस आज की चर्चा का, मैं उस पर ही बात करूंगा। मुझे किसी को लपेटना नहीं है, मुझे सारे विपक्षियों और विरोधियों को लपेटना नहीं है। जी आ रहा हूं। मैं एक बात जो उनको बता दूं कि पहली बात यह कि सवाल था ही नहीं, कल वो नहीं थे, कल जो मैंने इसी चर्चा में कहा वो दोहरा रहा हूं और ये तीसरी बार कह रहा हूं, तीसरी बार लिखकर कह चुका हूं। राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव ने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में या उसके अलावा भी पत्रकारों से उनकी जाति पूछी, अपमानित किया, उसकी दो टूक निंदा करता हूं। सर थोड़ा पानी ले लीजिए। दिन से कर रहा हूं तो ये किसी का बचाव नहीं है लेकिन मोटी बात यह है सुधांशु कि अनुराग ठाकुर जी ने जो कहा वो सवाल था ही नहीं। आप मुझे बताइए, वो आप उसको सुनवाइए अभी और फिर मुझे यहां बैठे सब लोग बताएं कि वो सवाल कहां है। उसमें सवाल नहीं, टिप्पणी है। पॉइंट टेकन सर। सतीश के सिंह जी, टिप्पणी को सवाल, आप एक मिनट जी बोलिए, आप टिप्पणी को सवाल बनाकर बाकी सबको उस सवाल के घेरे में लाना चाहते हैं, ये बिल्कुल मतलब ये सबको दिख रहा है इसका क्या मतलब है। आप अपने को जो मानना चाहते हो आप मान सकते हैं, आप परम ज्ञानी हैं।